एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 के फोर्थ चैप्टर हीट के फिफ्थ टॉपिक काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। कौन से तरह का क्लोथ हम समर में पहनते हैं, कौन से क्लोथ तरह के क्लोथ हम विंटर में पहनते हैं, उससे पढ़ेंगे। यू नो दैट समर वी प्रीफर लाइट कलर्ड क्लोथ एंड विंटर वी यूजली वियर डार्क कलर्ड क्लोथ। आप भी जानते हैं कि समर में हम लोग लाइट कलर क्लोथ पहनेंगे और विंटर में हम लोग डार्क कलर क्लोथ पहनते हैं। वाटर को सेम टेम्परेचर में गर्म गर्म कीजिए। एक्टिविटी 4.11 को डिस्कस करते हैं। वाटर को सेम टेम्परेचर में गर्म कीजिए, उसके बाद दो अलग अलग कैंस में डाल दीजिए, दो अलग अलग कंटेनर्स डाल दीजिए, एक डार्क कलर का होना चाहिए, दूसरा लाइट कलर का होना चाहिए। उसके बाद हम कुछ देर बाद उसे चेक करेंगे कि क्या दोनों का टेम्परेचर सेम है या फिर अलग अलग है। तो दोनों का टेम्परेचर 10-15 मिनट बाद देखेंगे तो दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होगा। तो इसलिए क्योंकि वाइट जो है लाइट कलर वो इजली हीट को रिलीज करेगा और डार्क कलर इजली नहीं करेगा। सो वाइट कलर क्लोथ इन समर एंड डार्क कलर क्लोथ इन विंटर। इसलिए वाइट कलर क्लोथ को समर में पहना जाता है और डार्क कलर क्लोथ को विंटर में। डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल इन डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर। डार्क कलर बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट अब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हम विंटर में डार्क कलर क्लोथ पहनना क्लोथ में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। लाइट कलर क्लोथ बहुत हीट को रिफ्लेक्ट करता है, लाइट कलर क्लोथ रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ हीट, इसलिए हमें कंफर्टेबल फील होता है जब हम गर्मी में लाइट कलर क्लोथ पहनते हैं। वूलन क्लोथ कीप्स अस वियर वुलन क्लोथ कीप अस वार्म इन विंटर। इन द विंटर वी यूज वुलन क्लोथ, वूल इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वुलन क्लोथ को हम विंटर में पहनते हैं, वूल पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। मोर एवर द एयर ट्रैप्ड बिटवीन द वूल फाइबर, एयर वूल फाइबर के बीच में ट्रैप्ड होते हैं। द एयर प्रिवेंट फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू कूल सराउंडिंग। तो एयर हीट का पुअर कंडक्टर होता है, तो हमारे बॉडी से हीट को ट्रांसफर करके कोल्ड सराउंडिंग में वो नहीं भेजता है, इसलिए हम गर्म महसूस करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने काइंड्स ऑफ क्लोथ वी वियर इन समर एंड विंटर को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो हमारे आगे वीडियो को देखने के लिए एनसीईआरटी जोन से जुड़े रहें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेता कि उन्हें भी हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।